प्रदेश में इन दिनों स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके तहत चंबा में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक जिला चंबा राजेश कौशल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 21 अप्रैल तक स्कूल बंद है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, जिसके तहत चंबा के 1151 प्राइमरी और 242 मिडिल स्कूलों में बच्चों का प्रवेश करवाया जा सकता है। इसके लिए छात्र या अभिभावक अपने पास के स्कूलों में जाकर या मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। जिला चंबा में पहली से आठवीं कक्षा की बच्चों की एडमिशन जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो हो रही है, और बच्चों को जो है वो फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म जो है वो स्कूलों में पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से हर घर पाठशाला के अंतर्गत इन बच्चों को कक्षावार स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है, और इसके साथ ही बच्चों को क्विज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट करने क्लियर करने के लिए भी मटेरियल भेजा जा रहा है। 21 अप्रैल तक स्कूल जो है वो बंद हैं। जैसे इस सरकार की और विभाग की तरफ से नई डायरेक्शन आएगी उसके अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा, और किसी भी स्कूल में ये स्टडी मटेरियल या बुक्स या यूनिफॉर्म्स नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचा दी जाएंगी, और ये एडमिशन का कार्य जो है वो चला रहेगा। सर, इसके लिए डेट निर्धारित की है एडमिशन के लिए? अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये एडमिशन जो है वो चालू है।